दादी भक्तों, आज आपके सामने उपस्थित हूँ बुध प्रदोष व्रत कथा के साथ। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शिवजी की आराधना धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के दो दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं माना जाता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी को विदा कराकर चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा, तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है, तो उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की तरह थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह भी भ्रमित हो गई तथा वह पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को ही पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूर्ण हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को रखना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं और आगे भी इस तरह की पौराणिक एवं धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।